आईपीएल के 25वें मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बागडोर में सीएसके से हो रहा है। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। शुरुआत में तो लगा कि विराट कोहली की टीम जल्दी ही धराशायी हो जाएगी, लेकिन फिर विराट कोहली अपनी फॉर्म में आए और शानदार 50 जड़ी। ये उनके आईपीएल करियर की 38वीं 50 है। विराट कोहली ने हर गेंदबाज को धोया, फिर चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो या फिर सीएसके के तेज गेंदबाज सैम करना। पहले 4 विकेट गिरे, लगा तो आरसीबी शायद सीएसके के सामने कम ही स्कोर रख पाएगी, लेकिन फिर कोहली अपनी फॉर्म में आए और सीएसके के हर गेंदबाज की गेंद को बाउंड्री के पार लगाया। ले चौका ले छक्का, धोनी भी देखते रह गए कि विराट कोहली को अचानक क्या हुआ। लेकिन आज तो कोहली सोच कर आए थे कि सीएसके के सामने ज्यादा से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा करना है और ऐसा ही उन्होंने किया भी। विराट कोहली की धमाकेदार पारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोहली ने 52 गेंदों में 90 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 शानदार छक्के भी शामिल थे, और इस तरह से सीएसके के सामने 170 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। देखना होगा कि धोनी की टीम इस लक्ष्य को कैसे पार करती है, क्योंकि अब तो मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।